हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए, हमारे घर के पास एक मॉल खुला है, विशाल मेगा मार्ट है इसका नाम। और देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पर विज़िट करने गए थे, सामान देखने गए थे कि देख के आते हैं कैसा है और कैसा सामान मिलता है वहाँ पे। तो देखिए, हम जो है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर गए थे, तो हमने वहाँ से बास्केट ले ली है। और देखिए, वहाँ पर सब सामान अब उपलब्ध हो गया है। खुला तो मॉल बहुत दिनों से है, पर इसमें सामान अभी ज़्यादा नहीं था। आप देखिए, ग्रोसरी के आइटम भी हैं यहाँ पर सब, चॉकलेट बिस्किट वगैरह सब आपको दिखाई दे भी रहे होंगे। देखिए, और कुछ सामान हमने ग्रोसरी का जो है मैं लेकर आई थी, तो ये देखिए सब चीज़ें हैं यहाँ पर, बिस्किट से लेकर बच्चों के टॉय वगैरह तक सब चीज़ हैं यहाँ पर, जूस वगैरह सब है यहाँ पर। तो हमने ना सब थोड़ा थोड़ा सामान जो है हम लेकर आए थे। ये देखिए, मैं आपको सारे चीज़ों की दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी सी क्लिप वहाँ वीडियो की बनाई थी। ये देखिए, वहाँ पे सब कुछ है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पे। देखिए, बच्चों के टॉय वगैरह, कुशन कवर, बेडशीट वगैरह सब चीज़ें आया यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी में हैं, कोई ऐसी वैसी क्वालिटी नहीं है। ये देखिए, कुशन कवर वगैरह और किचन टॉवल वगैरह सब चीज़ हैं यहाँ पर। पर यह है कि यहाँ पर घूम घूम कर सब पहले देख लेना पड़ता है, और फिर जो है जो आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, किचन का भी अधिकतर सामान जो है सब चीज़ें मिल रही थी, नमकीन बिस्किट सब चीज़ें थी यहाँ पर। वैसे तो हम यहाँ पर कम ही जाते हैं, पर आज मैंने सोचा कि पास में आए तो चलो ले ही लेते हैं सामान यहाँ से। मैंने मैगी ली थी बच्चों के लिए, तो देखिए अभी हस्बैंड जो है मैगी उठाएँगे। और मैगी तो सबसे पहले ही ख़रीद ली थी, क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद है और घर में मैगी होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है, अगर घर पे कोई ना हो तो बच्चे जो मैगी बनाकर तो खा ही सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी मैगी भी यहाँ से ख़रीदी थी। और ये देखिए, पास्ता वगैरह सब चीज़ें थी दोस्तों वहाँ पे। पर ली तो मैंने मैगी ही थी, और भी कई चीज़ें ग्रोसरी की जो आइटम थी ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। ये देखिए, चाय पत्ती वगैरह भी सब तरह के ब्रांड थे वहाँ पर। तो एक नया ब्रांड है वहाँ पर, कोई उसका नाम तो नहीं मैं आपको बताऊँगी, पर वो चाय पत्ती जो है बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मतलब स्पेशल हमें बोला कि इस चाय पत्ती को आप जो है ज़रूर लीजिए। तो मैं वो वाली चाय पत्ती जो है लेकर आई थी। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर में जो पैकेट पड़ा हुआ है ना टाटा प्रीमियम के साथ में, ये वाला, तो ये वाला चाय पत्ती का पैकेट मैं लेकर आई थी वहाँ से। और ये देखिए, मैगी जो है कई तरीके की मैगी भी यहाँ पर उपलब्ध थी, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे रिफाइंड घी, देसी घी वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर थी। और ये देखिए, वहाँ पर मैं कुशन कवर वगैरह देख रही थी, सब चीज़ें थी वहाँ पर। कुशन कवर मुझे अच्छे लग रहे थे, पर अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने लिए नहीं, पर मैं एक बार देख रही थी कि कितने कितने के हैं, और सस्ते भी थे दोस्तों, कोई महंगे नहीं थे कुशन कवर। ये देखिए, मैं चेक कर रही थी पर मैंने लिए नहीं थे, सिर्फ़ देख कर ही मैंने छोड़ दिए थे। ये देखिए, वहाँ पर इस तरीके की बास्केट मिलती है शॉपिंग के लिए, तो हमने ले ली थी। और यहाँ पर देखिए, कुशन कवर वगैरह मैं सब चीज़ें देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या है। और ये देखिए, यहाँ पर कर्टन भी थे, मैं कर्टन देख रही थी तो मुझसे गिरने वाला था तो बच गया, और फिर से मैंने उसको अंदर रख दिया था। और कर्टन भी बहुत प्यारे प्यारे थे, पर कर्टन जो मार्केट के हिसाब से महंगे लग रहे थे। और देखिए, ये अब हम नीचे वाले पोर्शन में आ गए हैं जहाँ पर बिलिंग होती है। और यहाँ पर हमने अपना जो है आकर, मैं चेक कर रही थी और हस्बैंड जो है बिलिंग करवा रहे थे। और देखिए, पर्स वगैरह भी और बैग वगैरह भी सब थे यहाँ पर, और कुर्तीज़, बच्चों की टी शर्ट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, ड्रेसें वगैरह सब थी यहाँ पर। ये देखिए, बिलिंग काउंटर पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और तो हमने जो है फटाफट हमने अपना जो है बिल कटवा लिया था। और ये देखिए, अभी हम हमारा चेक कर रहे हैं सारा सामान, एक बास्केट से दूसरी बास्केट में चेक करके डाल रहे हैं। काफ़ी सारा सामान दोस्तों मैंने ले लिया था यहाँ से, मैंने पायदान भी लिए थे यहाँ से, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लिए थे।